तो लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कोड कंसेप्ट की, सॉरी रिकॉर्डिंग वीवीएम मैक्रोस फंडामेंटल्स एंड कुछ थ्योरिकल बात की, कैसे क्या क्या करना है, कैसे करना है वगैरह वगैरह। आज हम आपके पास डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज और उसको रिकॉर्ड करके एडिट कैसे किया जाएगा। फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हम माइक्रो कैसे राइट करें, कैसे स्टार्ट करें, उसके कोडिंग का क्या कंसेप्ट है वगैरह वगैरह। दो चीज आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बिगिनर से। तो इससे पहले इस बैच में सिर्फ थ्योरिकल पार्ट हुआ था, जो कि हमने समझाया था कि वीवीएम प्रोग्रामिंग का सीखने का पर्पस क्या है और कितने तरह के वीवीएम माइक्रो होते हैं, इसमें पार्ट वगैरह कोई खास नहीं थी। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग मैक्रो पे। रिकॉर्डिंग मैक्रो बेसिकली रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज होता है कि आप जो है कुछ अगर कर रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग का वो नहीं मिला है, मैं दे दिया आपको, नहीं मुझे नहीं मिला है, देखिए आई थिंक हो गया। ओके शमिता जी ज्वाइन तो नहीं किया ना, नहीं किया, नाम चेंज नहीं करते ना इससे कंफ्यूजन हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग मैक्रो के फीचर्स के बारे में। जफर जी प्रिय वेबकैम ऑफ कर लें। अब जैसे कि हम हमारे पास डेवलपर टैब में एक फीचर है रिकॉर्ड मैक्रो। अब रिकॉर्ड मैक्रो क्या करता है, अब जैसे कि हमने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया, मैक्रो का नेम और ओके कर दिया। अब हम जहां जहां जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करके हमने लिखा नेम, हमने लिखा यहाँ पे रोल नंबर और हमने यहाँ पे लिखा मार्क्स, ये सारी चीज लिखने का स्टॉप कीजिए, लिखने का कोड जनरेट कर दिया। एडिट मैक्रो में जाओगे तो कोड देखेंगे, ये हमारा वीवीए का कोड है। तो बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन क्या होती है कि रिकॉर्डिंग मैक्रो अलग है और कोडिंग मैक्रो अलग है। रिकॉर्डिंग मैक्रो को मैक्रो कहा जाता है, कोडिंग मैक्रो को वीवीए कहा जाता है। तो पहले बता दीजिए कि रिकॉर्डिंग मैक्रो कोडिंग मैक्रो कुछ होता नहीं है। रिकॉर्ड मैक्रो एक तरह का खुद का मैक्रो ही है जो कि आपके किए गए माउस एक्शन को रिपीट माने कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपने A1 पे कर्सर रखा तो A1 पे कर्सर रखने का VBA कोड है range A1.select, उसमें वैल्यू लिखने का कोड है और इसमें ये करने का कोड है। तो वो खुद ब खुद कोड जनरेट कर देता है, मतलब खुद ब खुद प्रोग्रामिंग कर देता है रिकॉर्डिंग मैक्रो। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो का काम क्या है कि जो भी रिकॉर्ड करने के बाद जो भी आप एक्शन फॉलो करते हो उसका कोड जनरेट कर देता है, राइट। शमिता जी प्लीज वेबकैम ऑफ कर ले। ठीक है सर, एक क्वेश्चन इसमें उठता है कि जब खुद ब खुद हमारा हो जाता है तो समिता जी मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हैं अल्ट प्लस आर प्रेस करके, अल्ट प्लस आर राइट, और अपना हाँ। माइक को भी म्यूट कर लें ताकि बैकग्राउंड का शोर ना आए, कुछ पूछना होगा अनम्यूट करके पूछिएगा जी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग मैक्रो का, जब रिकॉर्डिंग फीचर ऑन करके अगर कुछ भी करते हैं तो उसका खुद ब खुद प्रोग्रामिंग हो जाता है, इसका बेनिफिट क्या है और ये हो है क्या। तो सबसे पहले बेनिफिट को छोड़ते हैं, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जब रिकॉर्डिंग मैक्रो खुद से हमारा प्रोग्राम बना देता है तो हम क्यों प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, कि मुझे प्रोग्रामिंग करना था किसी चीज का तो उसने खुद ब खुद कर दिया तो हम खुद से प्रोग्रामिंग क्यों करें। तो खुद से प्रोग्रामिंग सीखने का पर्पस ये है कि रिकॉर्डिंग मैक्रो आपका बहुत से काम नहीं करता है, जैसे रिपीटेशन, डायनेमिक कंडीशन, कनेक्टिविटी जो कि मेनली यूज होते हैं वो नहीं करता है, इसलिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ही होगा। तो फिर इसका बेनिफिट क्या है, इसका दो बेनिफिट है।
पहला बेनिफिट आपको लर्निंग करते समय जब VBA मैप को सीख रहे हैं तो आपको एक गाइड की तरफ काम करता है। जैसे मान लीजिए कि VBA मैप को प्रोग्रामिंग करते समय आपको कहीं पे कॉपी करना है और या पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट करने का कोड आप भूल गए हो तो आप क्या करोगे, रिकॉर्डिंग मैक्रो ऑन करोगे, यहां से भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया जा सकता है एंड ओके करोगे, एरिया को सिलेक्ट करके कॉपी करोगे और जहां पेस्ट करना चाहते हो वहां पे पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट जो भी करना चाहते हो कर लोगे। अब आप जो है यहां आके देखें कि कॉपी पेस्ट करने का कोड जनरेट हो गया। अब बोलोगे कि सर इतना ज्यादा हो गया, हम लोग तो थोड़ा कम लिखते हैं, तो बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज को पूरा करता है। जैसे हम लोगों की कैसी होती है, अगर आपको किसी को लेटर लिखना होता है, बॉस को मान लीजिए लीव एप्लीकेशन देनी होती है, तो एक रिस्पेक्ट के साथ एक तरीके से लिखते हैं ना, तो ऐसे बोलना होता है तो क्या बोलते हैं, सर लीव चाहिए। लेकिन इसी बात को लिख के देना है आप एप्लीकेशन में, तो एक फॉलो एक पूरा करता है आप एप्लीकेशन, एक ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। सेम उसी तरह इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉलो होता है, लेकिन जब हम कोड करते हैं तो इस बहुत सारी चीज नहीं लिखते हैं तो सेम यहां भी फर्क होता है। तो ये एक तो बेनिफिट आपका ये हुआ कि आपकी जो कोड लर्निंग करते समय किसी का कोड भूल जाओगे, जैसे कि कॉपी करने का कोड भूल गए, मर्ज करने का कोड भूल गए, कंडीशन मल्टिंग का, फिल्टर का, पिवट का, चार्ट का, तो किसी भी ऑप्शन का कोड आपको पता करना है तो उसको कॉपी करके उसको मतलब रिकॉर्डिंग माइक्रो को स्टार्ट करके आप उस चीज को फॉलो करो, उसका कोड बना देगा, फिर उस कोड को आपने माइक्रोज में इस्तेमाल आप इजिली कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरे बेनिफिट के लिए मुझे एक डेटा लेना पड़ेगा, जैसे कि मुझे एक बड़ा सा माइक्रो लिखना है और माइक्रो मोस्टली जो है हमारा एक्सेल का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करके लिखना। तो जैसे कि आपके सामने एक डेटा मैं रख लेता हूं, इसी डेटा को मैं लेता हूं कॉपी करके न्यू शीट पे पेस्ट, और ये फाइल ओरिजिनल फाइल को हटा देता हूं, इस फाइल को सेव करता हूं ताकि मैं आप लोगों को भेज सकूं। चलो अब इसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, अब मुझसे हर कोई जो भी कंसर्न पर्सन है मुझसे फोन करते हैं, मुझसे मांगते हैं एक प्रोडक्ट वाइज डेटा, ये सेल्स डेटा है और ये डंप है, और मुझे किसी को डंप देने का अलाउ नहीं है क्योंकि हर प्रोडक्ट का अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट हेड है। तो उन्होंने बोला यार डीवीडी प्रोडक्ट का रिपोर्ट हमें डेटा देते हैं, हमें कुछ करना है, तो आप क्या करते, हमें क्या करना होता है कि फिल्टर करके डीवीडी सिलेक्ट करके कॉपी करके नई सीट पर रख के फिर उसको एक नई फाइल पे सेव करके फिर उनको मेल किया जाता है। तो चलो मेल तो हम मैनुअली कर लेंगे, लेकिन हर बार मुझे फिल्टर करके कॉपी करके पेस्ट करके फिर फाइल क्रिएट करना पड़ता है, उसको सेव करना पड़ता है लोकेशन में, देन भेजना होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना CRT वगैरह ऐसे फाइल बना। तो एवरी टाइम मुझे जो है लिखना पड़ता है, तो ऐसा कुछ किया जाए जो मुझ रन मैक्रो बनाया जाए कि जब मैं उसको रन करूं तो मुझसे एक पॉपअप पूछे, और पॉपअप में जब मैं प्रोडक्ट का नेम डालू तो उस प्रोडक्ट का एक फाइल मेरा डेस्कटॉप पे सेव कर दे। ठीक है, इसके लिए कोड लिखना है तो ऐसा लंबा कोड लिखाएगा, तो हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो की सहायता ले, हमने यहां से रिकॉर्डिंग मैक्रो स्टार्ट किया मैक्रो 1 के नाम से, और सबसे पहले हम इसको फिल्टर किए, फिल्टर करते समय हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट किए डेविड, और रिकॉर्डिंग करते समय ध्यान रखेंगे कि फालतू के जो माउस मूविंग है या सिलेक्शन है या जैसे कोई सीट पे जाना है ये सब मत कीजिए, जो आपके स्टेप में हो वही चीज को करिए, इसलिए एल्गोरिथम बना लीजिए उसका स्टेप ही लिख लीजिए। और फिर और दूसरी चीज, जब भी आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे रिकॉर्डिंग मैक्रो करते समय तो आप नॉर्मल माउस सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप करेंगे कंट्रोल शिफ्ट
एंड वाला मेथड है ना, एरो की देते हैं राइट एरो की, डाउन एरो की, इस तरह कर लीजिएगा। और फिल्टर की डेटा कॉपी करना है तो कॉपी करने से पहले आप कंट्रोल जी में जो सिलेक्शन स्पेशल होता है उसमें विजुअल सेल्स बोलने होता है उसको करें, ताकि आपका जो विजुअल है वही सिलेक्ट हो, पीछे का डेटा कॉपी होने की चांसेस ना रहे। फिर हम इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 2-3 शीट्स हैं, लेकिन इन शीट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम नई शीट ऐड करेंगे और उसमें उसको पेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इस समय आपको ये 2 शीट स्पेशली है, लेकिन इन फ्यूचर में ये दोनों शीट रहे या ना रहे। और फिर मैं इस शीट का नेम देता हूं CRT, और इस शीट को मैं मूव करता हूं, क्रिएट कॉपी नहीं करता हूं, डायरेक्ट मूव कर देता हूं एक नई वर्कबुक में। और फिर इस वर्कबुक का नाम मैं CRT रखता हूं, CRT, ठीक है। और सेव, और हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और फिर C1 पे आके फिल्टर को हटा देते हैं और माइक्रो स्टॉप करते हैं। अब चलिए हम आते हैं इसके माइक्रो को एडिट करते हैं। अब मेरे पास इतना कोडिंग होगी, अब प्रॉब्लम यह है कि कोडिंग परफेक्टली रन नहीं हो क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है। तो चलिए इसमें जो फालतू के कोड्स बन गए हैं उसको डिलीट करते हैं, जैसे कि ऑटो फिल्टर, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। फिल्टर करते समय रेंज ले लिया गया है तो इस रेंज को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम एक सेल पिक पे रख के भी फिल्टर लगा सकते हैं, तो हम A1 ही रहने दिया, बाकी हटा दिए। इसलिए कॉपी किया सीट आफ्टर पेस्ट। अब सीट 4 डॉट सिलेक्ट, क्योंकि हर बार जब सीट ऐड होगी तो सीट 4 तो नहीं ना होगा, इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको। तो यहां पे हम एक्टिव सीट डॉट कर देते हैं नेम डॉट CRT, क्योंकि जब भी सीट ऐड होती है वही सीट एक्टिव होती है। कॉपी किए, अब CRT डॉट सिलेक्ट, इसको भी हटा दीजिए। CRT डॉट मूव, अब इसको इसके जवाब पे एक्टिव सीट डॉट मूव कर दीजिए, वो एक्टिवेट है। और मूव करने के बाद जो फाइल एक्टिव है उसको हमने सेव किया हुआ है, और सेव में CRT.XML सही है, अपनी क्लोज सही है, सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर एंड B30। अब परफेक्टली मेरा माइक्रो रन करेगा, हमने 2-3 लाइन डिलीट कर दिए, लेकिन अभी भी ये सिर्फ CRT को ही बनाएगा। मैं चाहता हूं उससे पूछे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं कि P=, एक वेरिएबल ले लेते हैं P, जैसे मैथमेटिक्स में हम XYZ लेते हैं, ऐसे यहां भी हम ABCD ले सकते हैं। इनपुट बॉक्स, और यहां पे मैंने बोला कि एंटर प्रोडक्ट नेम, और हम इस पे एंटर करते हैं। तो अब जो भी प्रोडक्ट एंटर होगा, जैसे ओपन स्टार्ट होगा तो एक पॉपअप देगा, उसमें हम जो नाम डालेंगे वो P के ऊपर स्टोर हो जाएगा, और जहां जहां हमें प्रोडक्ट चाहिए वहां वहां हम P लिख देते हैं, CRT को हटा के हम P दे देते हैं। बट यहाँ पे तो हम P नहीं दे सकते ना, क्योंकि ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में है, और P हमारा इन्वर्टेड कॉमा में होगा तो P नाम का ही फाइल बना देगा। तो यहाँ पे हमें कंबाइन कर, जैसे हम एक्सेल में कॉनकटा डेट लगा के 2 सेल्स को मर्ज करते हैं, ऐसे VVA में &% लगा के 2 टेक्स्ट को मर्ज किया जाता है। अब हमारा परफेक्टली वर्क करेगा। अब एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। माइक्रो वन रन, उससे पॉपअप पूछा जो इनपुट बॉक्स का कोड दिया वो इसी चीज के लिए कोड दिया था। मैं करता हूं TFT एंड ओके। अब यहां पर आके देखे कि TFT नाम का हमारे पास फाइल बन गया है, और उसमें सिर्फ TFT का ही डेटा है। अब इससे आपको ये समझ में आ रही है कि हमने इतना, अगर मान लीजिए रिकॉर्डिंग माइक्रोफॉर्म फॉलो नहीं करते तो इतना कोड हमें लिखना पड़ता,
तो पहला स्टेप मैंने बताया मैं अकॉर्डिंग मार्क का यूज कि आप लर्निंग पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा, आप जानते हो कोडिंग सब चीज जानते हो, फिर भी आप कोडिंग क्यों लिखें? आप रिकॉर्ड कर ले, फिर रिकॉर्डिंग जहां जहां डायनेमिक नहीं करेगा, मिस्टेक करेगा, वहां वहां ऐड करके डायनेमिक कर दें, जो अननेसेसरी कोड है उसको डिलीट कर दें और उसको ऐड माइक्रो बना ले। उसमें आपको टाइपिंग कम करना पड़ेगा। तो कुलभूषण जी, शमिता जी, जफर जी, एक कंसेप्ट, आप कंसेप्ट आपको कैसा लगा? मेरे काम के यूजफुल। तो ये हमारे रिकॉर्डिंग माइक्रो है, तो इसका इस्तेमाल आप लोग अपने ऑफिशियल लाइफ में कर सकते हो। ऑफिस के जो फाइल वगैरह बनाते हो उस फाइल वगैरह में इस कंसेप्ट को पूरा करो। जहां पे आप मान लीजिए कोई गलती होगी तो आप आपको एरर आएगा तो उस पर डिबग आएगा, डिबग कीजिएगा तो जो लाइन ऑफ कोड में दिक्कत होगी उस लाइन ऑफ कोड पे चला जाएगा। तो वहां सर एक क्वेश्चन था, अगर सपोज रॉ डेटा होता है, ठीक है, तो बीच में गैप्स भी रहता है, तो अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन करते हैं तो अगर बीच में गैप है तो वो पूरा नहीं लेगा। और सपोज मेरे पास डिफरेंट शीट्स हैं, ठीक है मैम शमिता जी, इस चीज पे हम डिस्कशन करेंगे आगे, डायनेमिक रेंज सिलेक्शन पे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आगे की चीजें हैं, अभी तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया है जस्ट। जी जी ठीक है, ठीक है सर। हाँ सर, मनीष शंकर बोल रहा हूँ। सर आपने कहा कि डिबग करना है, तो सर डिबगिंग कैसे करते हैं वीबीए में? बता रहा हूँ ना, जैसे कि आपने कोई कोड गलत आपने लिखा हुआ है, ऐसे में E15 का सिर्फ ई कर देता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। हमने रन करते समय MB दे दिया, MB देखा, रन आ गया, आ गया एरर। तो आप इसके डिबग जो आया ना आपको, इस पे डिबग पे क्लिक एंड कर देते, एंड पे क्लिक ना करके आप डिबग पे क्लिक करें तो सीधे उस जो गलती का एरिया है उस पे चला जाए। अब ये ओके ई है, ई तो नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए ना सर, E1। हाँ जी, क्या ठीक है? ठीक है। और जब गलती हो गई, आपने उसको सही कर दिया और यहाँ पे एरो की आपको दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसको ऊपर देखिए प्ले बटन है। हाँ जी, हेलो जी, हाँ बोलिए। हेलो, यस सर,
क्यों सुजीत जी? ऑडियो आ रहा है किसी को? हाँ मुझे तो आ रहा है सर, का आवाज नहीं आ रहा सर, अभी कॉल पे करेंगे हम। ठीक, मेबी मेबी। हाँ सॉरी सर, एक इंटरनेशनल कॉल था जो लेना जरूरी था क्योंकि सॉरी सर, स्टार्ट करें सर। ओके, वो इंटरनेशनल कॉल में मोबाइल में इंटरनेशनल कॉल फैसिलिटी नहीं है ना, इसलिए मुझे रिसीव करना पड़ जाता है ड्यूरिंग द क्लास। लोकल कॉल तो मैं काट देता हूँ, मैं क्लास के बाद उसको कॉल कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, अब बात करते हैं। अब रिकॉर्डिंग मैं को अच्छी तरह समझ गया ना आप? जी सर। बात करते हैं कोडिंग का। अगर आपको कोडिंग खुद से करनी है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कुछ चीजें जान लीजिए। डेवलपर टैब आपके पास होना चाहिए। डेवलपर टैब अगर पास नहीं है तो फाइल के ऑप्शन पे जाएं और यहां एडवांस पे आएं और नीचे एडवांस नहीं सॉरी कस्टमाइज रिबन पे आएं और यहां से डेवलपर टैब पे क्लिक कर। ये बाय डिफॉल्ट अनक्लिक होता है, एक बार क्लिक कर दीजिए, बस एक ही बार करना है। एक एप्लीकेशन में आपको यहां पे आ जाएगा, डेवलपर टैब में आपके पास आ जाए तो ये आपका ये होगा इंटरफेस होता है, मतलब यही से इंटरैक्ट होते हैं आप यूजर को। तो माइक्रो में जाके सिक्योरिटी, माइक्रो सिक्योरिटी में जाके आपको अनेबल करना है। ये अनेबल करना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपका माइक्रो डिफॉल्ट डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है, एक बार आपको अनेबल करना होगा जब फर्स्ट टाइम यूज करते हो। अगर अनेबल नहीं करोगे तो जैसे ही माइक्रो यूज करके बंद करोगे फाइल दोबारा ओपन करोगे तो आपको आपकी माइक्रो वर्क नहीं करेगा जब तक आप इसको अनेबल नहीं करते हो, और यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आएगा। उसके बाद आप फाइल को सेव करोगे माइक्रो अनेबल वर्कबुक डॉट xlsm में। यहाँ देखिए, कभी भी माइक्रो वाली फाइल को गलती से एक्सेल वर्कबुक में सेव ना करें, हमेशा फाइल को सेव करें माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। ठीक है सर, ये जी याद रखिएगा हमेशा। अब इसमें अगला टॉपिक आ रहा है हमारा, कि यहाँ विजुअल बेसिक दिख रहा है जिसका शॉर्टकट है अल्ट एफ 11, इसको ओपन करते ही आपको यहाँ पे वीवी एडिटर आ जाएगा। ठीक है, वीवी एडिटर। वीवी एडिटर सिर्फ एक्सेल में नहीं आता, ये हर एप्लीकेशन में आएगा जो माइक्रोसॉफ्ट का है। वर्ड में भी जाएंगे अल्ट एफ 11 करेंगे तो आ जाएगा, पावर पॉइंट में भी आ जाएगा, आउटलुक में भी आ जाएगा, सब में आ जाएगा, एक्सेस में भी आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जितने आपके फाइल, देखिए जितने फाइल ओपन होंगे सबका लिस्ट इस तरह से दिखेगा यहाँ पे, राइट? अब जिस फाइल में आपको प्रोग्रामिंग सेव कर रखनी है, जैसे वीवी डे वन में रखनी है, तो आपको यहाँ पे उसको यहां से एक्सपेंड करना है। फिर उसके जितने भी शीट्स होंगे उस शीट्स का लिस्ट आएगा और उसको क्लिक करने पर, डबल क्लिक करने पर एरिया होता है। तो इसको समझ लीजिए कि जो ए एरिया आपका है, एक बार समझा देता हूं मैं, ये जो एरिया है आपका इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर और इस एरिया को बोलते हैं प्रॉपर्टी, और ये जो एरिया है आपका इसको बोलते हैं कोड एरिया। जो कोडिंग होती है यही पे होती है, ठीक है? ये आपका नेविगेशन है कि कोडिंग करना कहाँ पे है, और जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे उसके प्रॉपर्टी यहां दिखाएगा। अगर प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहते हो तो यहां से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो हम जब भी कोडिंग करते हैं, और कोडिंग कहाँ करते हैं? कोडिंग करते हैं कोड एरिया पे, लेकिन क्या मैं डबल क्लिक पे, सीट पे डबल क्लिक करके कोड लिखूं?
नहीं, सीट पे डबल क्लिक करके कोड नहीं लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप इस पे कोड लिखते हो तो सीट वन की प्रॉपर्टी में सेव हो जाता है। अगर सीट वन, अब सीट वन किसी ने डिलीट कर दिया तो आपके मैक्रो भी डिलीट हो जाएंगे। तो दूसरा, ये बाकी सीट के रेफरेंस को लेने में दिक्कत करता है, इसलिए हम इस पे नहीं करते हैं। हम इंसर्ट पे जाते हैं और मॉड्यूल्स इंसर्ट करते हैं, और जो भी प्रोग्रामिंग हम यहाँ पे करते हैं, मॉड्यूल्स की जो प्रोग्रामिंग है वो आपको पब्लिक मैक्रो बन जाती है, वो आपके फाइल के प्रॉपर्टी में सेव होता है। जहां जहां आपका फाइल ट्रेवल करता है वहां वहां आपका ये कोड जो है ट्रेवल करेगा, सॉरी हाँ, वहां आपकी जो वीबीए मैक्रो कोड करेगा, जो इस फाइल को एक्सेस कर सकता है वो आपके मैक्रो भी यूज कर सकता है। आप बोलोगे मैं चाहता हूं कि मेरी मैक्रो कोई एडिट ना कर सके, जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया, मैं चाहता हूं कि कोड कोई नहीं देख सके, यूज कर सके बट देख ना सके, तो उसके लिए टूल्स में यहाँ प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर में प्रोटेक्शन में जाए, लॉक्ड पे क्लिक करें और यहाँ पे पासवर्ड डाल दें। पासवर्ड डालने के बाद जैसे वो उसको खोलेगा उससे वो पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोडिंग करें तो पहले आपको ध्यान रखिए डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, कि माइक्रो का नेम डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे पब्लिक सब या डायरेक्ट सब लिख सकते हैं और माइक्रो नेम, जैसे कि मैंने लिख दिया टेस्ट, ठीक है, टेस्ट और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ऐसे लिखते ही आप देखेंगे कि आपकी यहां पे माइक्रो लिस्ट में टेस्ट नाम का मैक्रो आ गया। अब जो भी करना है हमको यहां करना है, इस पे करना है। अब टेस्ट, हम नाम लिखने में मान लीजिए कि टेस्ट टुडे लिखना है आपको, टेस्ट टुडे लिखना है, तो आपको यहां पे स्पेस दे दिया आपने, सॉरी टुडे स्पेस दे दिया, तो ये माइक्रो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि माइक्रो नेम में नहीं आप स्पेस दे सकते हैं, ना किसी तरह का स्पेशल कैरेक्टर से डॉट डैश डेसिमल इस तरह की चीजें भी नहीं दे सकते हैं। हाँ, आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर मान लीजिए कि माइक्रो नेम लिखते समय अगर आपने 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक लिख दिया, जैसे राज 1, ये भी आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा, सॉरी। क्यों? क्योंकि राज 1 नाम के ऑलरेडी यहां पे इसके पास रेफरेंस है। आप रन करने जाएंगे तो देखिए रन नहीं होगा। अब जैसे यहां पे आप राज 1 को सर्च करें तो आप वहां राज 1 पे पहुंच जाएंगे कि ये राज 1 यहां है, तो राज 1 नाम का रेफरेंस है, तो इसको अंडरस्कोर लगा सकते हो। अब बात होती है प्रोग्रामिंग क्या करें, तो आप अपने स्टेप लिख दो, आपको करना क्या है, और एक बार में एक ही एक्शन फॉलो होता है। जैसे कि मुझे A1 पे कर्सर रखना है और इस पे मान लीजिए सिटी लिखना है, तो आपको इसको 2 लाइन में लिखना होगा कि रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, और यहां लिखेंगे सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू सिटी, समझ गए। तो ये लाइन बाय लाइन होता है कि एक काम के लिए एक लाइन का कोड आप लिखेंगे। तो आप जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो उस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, मतलब क्या क्या करना है उसको बना लेंगे। हाँ, मुझे A1 पे क्लिक करना है, हमें सिटी लिखना है, हमें B1 पे क्लिक करना है, हमें कुछ और लिखना है। जैसे मैंने फिल्ट्रेशन के लिए किया हुआ था, यहाँ देखिए कि इसमें क्या है कि भाई रेंज A1 को सिलेक्ट कर रहा है, उस पर पिवट टेबल अप्लाई कर रहा है, फिर उसकी सिलेक्शन राइट की तरफ कर रहा है, फिर डाउन की तरफ कर रहा है, फिर विजुअल सेल्स को सिलेक्ट कर रहा है, फिर कॉपी कर रहा है, फिर सीट को ऐड कर रहा है, फिर पेस्ट कर रहा है, सीट का नाम चेंज कर रहा है, फिर एस्केप मार के कॉपी वाला जो होता है एरिया घूमते रहता है उसको हटा रहा है,
फिर सीट को मूव कर रहा है, फिर फाइल को सेव कर रहा है, फिर फाइल को क्लोज कर रहा है, फिर सीट वन पे जा रहा है और फिल्टर को हटा रहा है और बी वन को बी थर्टीन को सिलेक्ट, समझे सर? तो इसी तरह के आपके पास आपके प्रोजेक्ट के स्टेप होंगे और उसी स्टेप को पुट करेंगे, तो लाइन बाय लाइन होता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे आइडिया लगाएं कि इस पे रेंज ही है, हमें A1 पे सिलेक्ट करना है तो रेंज ही होगा, हमें वैल्यू लिखना है तो सिलेक्शन होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई। तो उसके लिए एक चीज को समझिए कि VVM में चार मेन कोड होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन, जैसे आप एंग्री सक्सेस लिखते समय पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था, ऐसे ये पार्ट ऑफ स्पीच समझिए कि यहाँ पे होता है हमारा वर्क, बुक्स, शीट्स एंड रेंज, ठीक है? ये हमारे चार ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो नाउन से स्टार्ट होता है ना, इंग्लिश से कोई भी वर्ड बोलते हैं लिखते हैं तो क्या होगा, पहले नाउन आता है ना सर मोस्टली, तो ऐसे ही VVM में मोस्टली इन चार एप्लीकेशंस होता है। अगर आप कोड को ही देखें जो हमने अभी रिकॉर्ड किया है, तो रेंज है, शीट है ना सर, वर्कबुक है, यही है ना मोस्टली चार। अब सिलेक्शन जो है वो रेंज का पर्यायवाची शब्द कर लीजिए, ऐसे आपका वर्कबुक का एक्टिव वर्कबुक है, शीट का एक्टिव शीट्स है। तो इनके चार से स्टार्ट होते हैं लेकिन चार के भी एक अलग अलग नाम है, जैसे एक्टिव उसके कंडीशंस पे नाम जो चेंज हो जाते हैं, बस इसी का रूप होता है, इन चार से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका फाइल मान लीजिए इसमें क्या, अगर कोड कह रहा है कि A1 को सिलेक्ट करना है, A1 क्या है, किसको इफेक्ट कर रहा है, एक रेंज को इफेक्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रेंज लिखाएगा, हमें सीट में सीट के रेंज पे फिल्टर लगाना है, तो यहाँ पे सीट के रेंज पे हमने फिल्टर सीट से स्टार्ट किया, सीट का रेंज पे फिल्टर हमने लगाया, हम यहाँ पे सीट ऐड करना है तो हमने शीट से स्टार्ट किया, हमें फाइल सेव करनी है तो हमने फाइल वर्कबुक से स्टार्ट किया। तो आप देखेंगे तो मोस्टली इसमें हमारा चार से ही स्टार्ट होता है। अब कोड का तरीका क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच समझ लीजिए, इस डॉट जो है सेपरेटर है बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मेंबर, मतलब लोकेशन एंड एक्शन, कि कहां पे क्या होना है, तो ये हो गया कहां पे, कि रेंज A1 पे क्या करना है तो सिलेक्ट करना है, ठीक है? एक्टिव सीट रेंज क्या करना है, फिल्टर अप्लाई करना है। अब इसमें क्या है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब मेंबर है, ये कभी यहां पे खुद के ऑब्जेक्ट है बट यहाँ पे सीट्स आ जाने के कारण, क्योंकि पता है क्या है, एक एप्लीकेशन के अंदर, एक फाइल के अंदर, एक सीट के अंदर एक रेंज होता है, तो फ्लो होता है। तो अगर हमें सीट और रेंज दोनों करना है तो पहले सीट आएगा फिर रेंज आएगा, ऐसे मुझे फाइल सीट रेंज करना है तो पहले फाइल होगा देन सीट होगा देन रेंज होगा, क्योंकि रेंज सबसे छोटा है, समझ गए? और सबसे बड़ा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर में आप वर्कबुक आएगा, वर्कबुक के अंदर में शीट आएगा और शीट के अंदर में रेंज आएगा। तो जहां पे अगर इसके बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो ये सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर इसी तरह से एक्शन कि क्या करना है, ऑटो फिल्टर अप्लाई करना है, और फिल्टर अप्लाई करते समय उसकी भी डिटेल्स, एक्शन डिटेल उसको बोलते हैं या मेंबर डिटेल्स बोलते हैं, कि क्या करना है, तो फिल किस में, तो फिल लाइन में क्या क्राइटेरिया है, तो पी की वैल्यू क्राइटेरिया है, इस तरह से हम अप्लाई करते हैं। तो है हमारा, तो हम एप्लीकेशन को बाद में पढ़ते हैं, हम वर्कबुक को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम शीट्स और रेंज को भी पढ़ेंगे। तो हम चलिए वर्कबुक को पढ़ते हैं। चिंता जी, जफर जी, समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट? हाँ जी सर, ठीक है। अगर सर के ऊपर से जाए तो बता दीजिएगा। ठीक है सर, एक बात पूछनी है मुझे। सर सर, जैसे एप्लीकेशन के अंदर वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर शीट है, शीट के अंदर रेंज है,
है ना, और अभी जैसे हमने एग्जांपल में यूज किया एक्टिव शीट डॉट रेंज, तो सर फिर ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमें एप्लीकेशन से स्टार्ट ना करके वर्कबुक के अंदर स्टार्ट करना है या फिर एक्टिव शीट के अंदर स्टार्ट करना है? एक मिनट सुनिए सुनिए, वो आपको एड्रेसिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मुझे रेंज A1 डॉट सिलेक्ट करना है, हाँ जी, आप और मैं नेहरू प्लेस में बैठे हैं, ठीक है, हाँ जी, मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या जवाब दोगे? कि मैं नजरगढ़ रहता हूँ। आप एक और बोलेंगे कि मैं इंडिया के दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर नजरगढ़ में रहता हूँ, लेकिन मैं मुंबई में हूँ, आप भी मुंबई में है, आप मैं कुछ कहाँ से रहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? नजरगढ़ बोलेंगे? नहीं, आप बोलेंगे मैं दिल्ली के अंदर नजरगढ़ में रहता हूँ। यही चीज मैं मान लीजिए कि मैं चला गया यूके, चला गया यूके में आप मिले, मैं पूछूं कहाँ से आप, तो बोलेंगे इंडिया, इंडिया के अंदर दिल्ली या दिल्ली के अंदर। तो यही सिस्टम होता है कि अगर आपको सेम सीट पे कुछ करना है तो सीट का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, फिर वर्कबुक का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, अगर वर्कबुक का एप्लीकेशन कुछ का देने की जरूरत नहीं है। रेंज A1 डॉट सिलेक्ट मतलब कि एक्टिव एप्लीकेशन के, एक्टिव फाइल के, एक्टिव सीट के रेंज हुआ, ठीक है सर। हाँ जी, अगर मुझे पता करना है सीट टू के रेंज वन देना है तो हम लिखेंगे सीट टू डॉट रेंज वन, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव एप्लीकेशन की एक्टिव वर्कबुक की सीट टू में जाना है, उसमें वर्कबुक देना जरूरी नहीं है। बट मुझे बुक वन के सीट वन के ए वन पे जाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा बुक वन डॉट सीट वन डॉट रेंज वन, ठीक है सर। ऐसे एड्रेसिंग सिस्टम चलता है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका फाइल नेम फिक्स है, वो जिस फाइल पे जिसके लिए आप रेफरेंस दे रहे हैं क्या वही फाइल एक्टिवेट है, तो आप फाइल नेम नहीं लगाओगे। फिर आप चेक करोगे क्या वही फाइल का वही सीट एक्टिवेट है, उसी सीट पे वर्क करना है तो सीट एक्टिवेट है, एक्टिव फाइल के एक्टिव सीट पे करना है तो सीट नहीं दूंगा। और अगर आपको जहां पे कर्सर है वहीं पे टाइप करना है तो रेफरेंस नहीं देंगे, रेंज नहीं देंगे, सिर्फ एक्टिव सेल लिख देंगे, समझ गए? ठीक है सर। तो हम बात कर रहे हैं वर्कबुक के बारे में, तो वर्कबुक जैसे मुझे अगर अब देखिए नोट कीजिए, अभी जैसे कि नॉर्मली मैं आपको शुरुआत में एक्सेल आपने सीखा था कि फाइल सेव करना, क्लोज करना वगैरह वगैरह, वही चीज मैं आपको यहाँ पे वीवी के थ्रू सिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक नई फाइल को ओपन क्रिएट करना है, यहाँ पे लिखते हैं workbooks.add, ये क्या करेगा, आपके कीबोर्ड का कंट्रोल एंड प्रेस कर देगा, मतलब कि एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। अब जो फाइल क्रिएट हुई है उसको सेव करना है, तो VBA कहता है सेव करने का कि workbooks, और यहां पे लिख बोलता है कि book1.xlsm या जो भी है डॉट सेव एज, कहां करना है, डी ड्राइव में 123.xlsx, समझ गए, या डी ड्राइव के किसी पर्टिकुलर फोल्डर है 2018 और स्लैश इसके अंदर। बट क्या इसके साथ वर्क करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका बुक वन ही क्रिएट हो, वो बुक टू भी क्रिएट हो सकता है, थ्री भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो फाइल क्रिएट होती है वही हमारा एक्टिव होती है, तो हमने यहां पे लिख दिया एक्टिव वर्क बुक डॉट बुक्स नहीं होगा, बुक होगा सिर्फ सेव एज, समझ गए। अब पता चला कि एक्टिव वर्क को कहां लगाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें फाइल नेम पता नहीं है, लेकिन हम ये इंश्योर है कि जो फाइल ऐड हुई है वही हमारा एक्टिव होगी, इसलिए हमने इसको लगाया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे डायरेक्ट फाइल को सेव ही करना था, तो मैं डायरेक्ट लिख भी सकता, इसी तरह से भी लिख सकता था कि वर्कबुक डॉट एड डॉट
सेव एट और यहाँ पे एक्सटेंशन दे दिया, अभी ये भी कर सकते थे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फाइल को ऐड करें फिर सेव करें, या किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव एज करें, या फिर हम डायरेक्ट सेव की गई फाइल को ही क्रिएट करें। समझ गए? फाइल क्रिएट करना आ गया कि आपको VBA में नई VBA के थ्रू नई फाइल क्रिएट करके हम सेव कैसे करेंगे। इट इज क्लियर? हाँ जी, आपको होना चाहिए। अब हम अगला टॉपिक बात कर रहे हैं कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल को ओपन करनी है तो वो लिखेंगे हम बार बुक्स डॉट ओपन, और इसमें हमने देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा और ऑब्जेक्ट का डिटेल, देन एक्शन या मेंबर, मेंबर डिटेल। बट यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का डिटेल नहीं डाला हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है, हम ऑब्जेक्ट को लेक्स लाइब्रेरी में लेके आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा मेंबर डिटेल होगा। ठीक है, इस ब्रैकेट में वही फाइल का नाम होगा जो फाइल ओपन है, हमने ओपन कर लिया। ओपन करते से मान लीजिए पासवर्ड लगा हुआ तो जैसे आप करेंगे यहाँ पे सिंटैक्स दिख रहा है, फाइल एज अपडेट लिंक रीड ओनली फॉर्मेट पासवर्ड। अब मुझे इसमें पासवर्ड डालना है तो आप कॉमा जैसे ही करेंगे ये अपडेट लिंक वाले सेक्शन में आ गया। मुझे नहीं डालना है तो मैं कुछ डालने बगैर ब्लैंक छोड़ के एक और कॉमा डाल दूंगा तो उसको स्किप कर देगा, इसको भी स्किप कर देगा और इसको भी स्किप करके पासवर्ड पे चला गया, हमने फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डाल दी। अगर कोई रीड राइट पासवर्ड है वो भी हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, अब जैसे कि ये सारे बड़ी ब्रैकेट्स में है तो मुझे डालना जरूरी नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग ये आपकी कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है, मतलब ये रिक्वायर्ड है, ये आपको डालना ही पड़ेगा वरना कोड परफॉर्म नहीं करेगा। बाकी जो आप देख रहे हैं वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, मतलब कि ये ऑप्शनल है, जरूरत है तो डालिए वरना मत डालिए, डिफॉल्ट करेगा। ठीक है सुजीत जी, ये स्किप करने के लिए कोमा ही लेना होगा या फिर कोई और भी वे है? इसका वे है, एक और वे है, जैसे कि मुझे यहाँ पे फाइल एज ए स्ट्रिंग, फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे लिखना है फाइल नेम और कॉमा, ये करेंगे फिर कॉमा देते हैं और इसमें हम लिखेंगे पासवर्ड और यहाँ पे कॉलन एंड इक्वल पासवर्ड, हाईलाइट हो जाएगा देख लीजिएगा। ओके, तो जो यहाँ लिखा हुआ है ना वो लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग, तो फाइल नेम एज ए स्ट्रिंग नहीं लिखना है, स्पेस से पहले लिखना है, अगर स्पेस है तो स्पेस से पहले वाला बात। और दिक्कत हो तो रिकॉर्डिंग करके देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, स्वाति दौर में हम ऐसे ही करते थे, कोड याद नहीं रहता था, रिकॉर्ड करके चेक करते थे। तो हम फाइल को ओपन करना सीखे। अब कोई फाइल ओपन हुआ है तो मुझे एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना है ना, जैसे बुक फाइव है, अब मैं बुक वन पे मुझे वापस करना है तो ऑल टाइप करते हैं जनरली, तो यहां पे हम लिखेंगे वर्क बुक्स बुक वन डॉट एक्सएलएस डॉट एफ, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि विंडो इसमें एक्सटेंशन डालना जरूरी नहीं है डॉट एक्टिवेट। ठीक है, तो विंडोज वाला पार्ट कौन सा है, आप एक्सेल के अंदर में आते हैं व्यू के अंदर में स्विच विंडो आता है, ये आपका विंडो का पार्ट है। ठीक है, तो हम फाइल को निवेद एक फाइल से दूसरे फाइल पे चले गए। अब बात करते हैं फाइल को क्लोज करने की, तो यहां पे मैं लिखता हूं अगर मुझे फाइल का नेम पता है तो मैं लिखूंगा
वर्क बुक्स और यहाँ पे बुक वन डॉट एक्सएलएस एक्स जो भी फॉर्मेट है डॉट क्लोज. अब क्लोज करते समय ट्रू एंड फॉल्स आपको डालना होता है. क्यों? जैसे मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ कुल फाइल को तो मुझसे पूछता है ना कि डू वांट टू सेव. मैं सेव पे क्लिक करता हूँ. अगर आपको सेव पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे इक्वल ट्रू. नहीं क्लिक करना है तो फॉल्स. समझ गए? अगर आपको फाइल का नाम नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि ईमेल एक्टिवेट है तो आप यहां लिख सकते हैं एक्टिव वर वो डॉट क्लोज. या फिर आप एक और भी कर सकते हो कि एक्टिव विंडो डॉट क्लोज. विंडो होगा, विंडोज नहीं होगा. जैसे जो कि आपका हम रिकॉर्डिंग करते समय ये देखिए एक्टिव विंडो डॉट क्लोज यूज किया गया. ठीक है, तो हमने फाइल क्रिएट करना सीखा, फाइल को सेव करना सीखा, फाइल को ओपन करना सीखा, फाइल एक फाइल से दूसरे फाइल को मूव करना सीखा, फाइल को क्लोज करना सीखा. ठीक है, अब बात करते हैं फाइल को पासवर्ड डालने. तो अगर मुझे यहाँ पे एक्टिव वर्क बुक डॉट मैं करता हूं प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट में मैं पासवर्ड डालता हूँ, ये क्या करेगा कि मेरे इसमें एक्सेल की जो रिव्यू के अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है उसमें वो पासवर्ड डाल देगा. ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे कि मुझे फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालनी है तो हम एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड एंड इक्वल टू पासवर्ड. ये फाइल की मतलब ये क्या करेगा कि फाइल के अंदर जाएगा और जाएगा इन्फो में और जाएगा प्रोटेक्ट और यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तो ओपनिंग पासवर्ड डाल दे. तो इसमें एक चीज समझिए यहाँ पे कि हमने यहाँ इक्वल क्यों दिया. इससे पहले कोड में तो कहीं भी हमने इक्वल का जिक्र नहीं किया बट एक्टिव वर्कबुक डॉट पासवर्ड में इक्वल क्यों दिया. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीवीए कोड में एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है मेंबर. जो मेंबर होता है वो दो तरह का होता है, मेथड एंड प्रॉपर्टी. जो प्रोटेक्ट हुआ क्लोज हुआ ये सब मेथड है और पासवर्ड प्रॉपर्टी है. तो मेथड में हम स्पेस डाल के अपना डिटेल्स देते हैं और प्रॉपर्टीज में इक्वल डाल के हम मेथड. अब आईडेंटिफाई कैसे करेंगे आप लोग ये सोच रहे होंगे. तो आईडेंटिफाई ये है कि जैसे स्पेस लिखोगे तो नीचे एक्सप्रेशन आ जाए, इट मीन्स ये आपका मेथड है. और प्रॉपर्टी में जो स्पेस डालोगे तो कुछ नहीं आएगा, मतलब कि प्रॉपर्टी है. या दूसरा जब लिखते समय आप डालोगे तो जिसपे हैंड का निशान बना हुआ है इट्स प्रॉपर्टी, और जिसमें मान लीजिए एक ग्रीन कलर का बॉक्स का स्क्वायर का है बॉक्स जो भी कहिए वो आपका क्या है मेथड. समझ गए? तो एक फाइल पे हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं ना, हम फाइल को क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं. अब हाँ, सिर्फ सेव करना हुआ फाइल को, जस्ट फाइल सेव करना है आपको तो सेव करने का कोड सिर्फ यही है कंट्रोल एस बड़ी भी फाइल का सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, ये करते हैं ना सर. और कुछ करते हैं फाइल पे जनरल? नहीं सुजीत जी, तो आप इसी की प्रैक्टिस करें. फाइल कई सारे फाइल को डिफरेंट डिफरेंट नाम और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से क्रिएट करें, फाइल को ओपन करने की कोशिश करें, फाइल पे पासवर्ड डालें वीवीए के थ्रू. तो आज आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, साथ में कुछ रिकॉर्डिंग्स माइक्रो बनाएं और उसके ऊपर एडिट करने की कोशिश करें. समझ गए? आज का टॉपिक यही पे मैं समाप्त करता हूँ. कल हम बात करेंगे क्या क्या कवर होता है. हेलो जी, सुजीत जी सर, कुलभूषण बोल रहा हूँ. कुछ तो
क्वेरी थी मेरी, तो मैं कॉल करूँ आपको? हाँ फोन, मैं कॉल कर लेता हूँ अभी, आप बंद कर रहे हैं तो इसके बाद कॉल करता हूँ। सर वीडियो भेजोगे आप या मतलब यहीं से कहाँ से इसको करना है? आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया था? हाँ रिकॉर्डिंग किया तो सेव कैसे करना है? आपका सिस्टम पे सेव हो गया। अच्छा ठीक है, डॉक्यूमेंट में जूम नाम के फोल्डर में चला गया। अच्छा ठीक है।